गॉड एलिमिनेट तो हो गए, लेकिन 5 सोलो फिनिशेस के बाद नियो इकलौते बार के साथ ओआर मैच को किया जाएगा यहां पर डाउन। वही बात करते हैं वीएलटी के प्लेयर्स ऊपर बैठे देखेंगे, जरूर से शैडो को कंफर्मेशन निकालना चाहेंगे, कंफर्मेशन मिलेगी जरूर से। टीम गॉडलाइक को पहला फ्राग भी नहीं निकाल पाई अब तक, वो फिनिशर स्टील होता हुआ दिखा कुछ प्रेजरी कुछ, बट यहां पर शैडो को किया जाएगा डाउन। ट्रायआउट की तरफ से एक बेहतरीन स्प्रे, क्लच गॉड गेटिंग दैट फ्राग, और यहां से वो कंफर्मेशन 3 फिनिशर्स मिलेंगे के लिए। बट टीम गॉडलाइक क्या वो रोक पाएगी, टीम गॉडलाइक क्या वो फाइट्स में जाएगी, टीम गॉडलाइक वो सर्कल के एज पे, लेकिन गेट कीप देखें गेट लगातार करते वो अभी भी तंग करते वो अभी भी डैमेज देते हुए, बट शैडो वो कनेक्शन ढूंढने के गॉब्लिन को किया जाएगा डाउन। अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा, एचपी काफी कम, शैडो ओपन में नहीं आ पा सकते, हर एक एंगल एक 360 टर्न मार लिया, निकले की शॉट्स पड़े कहां से, बट शैडो को किया जाएगा डाउन। टीम गॉड्स आ चुकी है इस फाइट में, थर्ड पार्टी दे रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, टीम गॉड्स अब यार सारे फाइट निकाल सकती है, बट नहीं, क्लच गॉड अभी भी है, और लाला की वो स्प्रेस काम करेगी, जीगो ने एक्चुअली ब्लेज के ऊपर भी एक कनेक्शन ढूंढा। ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, तीनों बेहतरीन टीमें आपस में एक साथ एक दूसरे को तंग करते हुए, गॉडलाइक के साथ वो फाइट थी, बट वहां पीछे ईस्पोर्ट्स वाले हमें फेंकते हुए देखने को मिल जाएंगे, और डैमेज हो रहे हैं हल्के फुल्के डैमेज आपके लिए प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, क्लच गॉड डाउन हो जाएंगे, क्लच गॉड का वो ग्रेनेड खेलने के नुकसान अपोनेंट को बहुत ज्यादा पहुंचा था, वह 8 फिनिशेस जिसमें से क्लच गॉड एलिमिनेट तो हो गए, लेकिन 5 सोलो फिनिशेस के बाद नियो इकलौते प्लेयर है जीगोट को रिवाइव देने की यहाँ पे जरूरत है, क्या वक्त रहते हैं उन्हें रिवाइव दे पाएंगे, स्मोक करने का डिसीजन और सेंसे भी कुछ अच्छे फिनिशेस वहां पे निकालने में पूरा पूरा हेल्प कर रहे, लेकिन अब गॉड को जो टाइम चाह रहे वो शायद मिल जाएगा, बट सामने से क्या वो व्हीकल को चल दिया, जी हाँ गॉड लाइक इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि गलत टाइम पे वो व्हीकल आता हुआ। गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।